ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है। नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज सुबह रिहाई हुई, उसके बाद बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज है। सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष के जो लोग हैं इस पे प्रतिक्रिया देने से थम नहीं रहे। ऐसे में मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने बयान दिया और तमाम जो है चीज वो मीडिया के सामने उन्होंने बताया और कहा कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। संविधान में भी इससे पहले संशोधन किया जाता है और कानून में भी संशोधन होता है, उसी तहत कानून में संशोधन हुआ और आनंद मोहन की रिहाई हुई। इसमें कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई राजनीतिक जो है इसमें प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आमिर सुबहानी, आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। इसके अलावा कुछ और भी नियम है जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन, एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए शर्तें तय करती है और उनको भी छोड़ा जाता है। अब तक 104 ऐसे बंदियों को विशेष अवसर पर, जो 3 अवसर मैंने आपको बताए, उन अवसर पर कारामुक्त किया गया है, सज़ा में छूट देकर के कारामुक्त किया गया है और एक बार और ये काम होना है, जिसका आदेश संकल्प संख्या 2644 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से के माध्यम से गृह विभाग ने निर्गत किया है और उसके अंतर्गत बंदियों की पहचान की जा रही है कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सज़ा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किए हों और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये पहचान, ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है और ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको राज्य सरकार फॉलो करती है। तो उसके आलोक में अभी जो आदेश निर्गत हुआ है और जो उसमें ये सारे नियम फॉलो किए गए हैं, उसमें किसी के लिए कोई अवधि के बारे में या नियम के बारे में या डीएम और एसपी या ट्रायल जज की रिपोर्ट लेने के बारे में कोई भी किसी के साथ छूट नहीं दी गई है। जिसके बारे में अनुशंसाएं आई, जिले के एसपी ने किया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज या जो ट्रायल जज थे उन्होंने अनुशंसा भेजी कि हाँ छोड़ सकते हैं, एसपी की रिपोर्ट आई, प्रोबेशन ऑफिसर की आई, फिर ये कमेटी बैठी, तब हुआ है और किसी को इसमें कोई उन मामलों में जो शर्तें हैं बुनियादी छूट नहीं दी गई है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, उनका भी केस अलग कुछ नहीं था, वो उनको भी जो है उनकी तो 14 वर्ष नहीं, 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है, 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सज़ा पूरी हुई है और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक
और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपसे आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी शशि के साथ मैं विनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।